चीन में कोरोना के पीक पर पहुंचने के साथ ही शी जिनपिंग की कोविड पॉलिसी सवालों में घिरी है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि भला कोई सरकार अपनी जनता को यूं मरने के लिए वायरस के हवाले कैसे छोड़ सकती है। शी जिनपिंग की नीयत समझने के लिए आपको कम्युनिस्ट चीन का इतिहास समझना होगा, जहां सुप्रीम लीडर का सपना लोगों की जान से ज्यादा कीमती होता है। शी जिनपिंग का वो कौन सा सपना है जिसे पूरा करने की जिद महामारी पर भी भारी है? क्यों चीन की सरकार ने कोरोना लहर के पीक पर पहुंचने के बाद लोगों को काम पर लौटने के लिए मजबूर किया? देखिए टेली सीरीज का एपिसोड सनक, कॉस्ट ऑफ अ ब्लंडर। चीन में कोरोना का विकराल रूप और सिस्टम के आगे बेबसी की मौत मरते लोगों को देखकर 63 साल पुराना दौर याद आ रहा है। फरवरी 1958, कम्युनिस्ट चीन के संस्थापक और सुप्रीम लीडर माओ त्से तुंग ने चीन को सुपर पावर बनाने का सपना दिखाया। अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने नाम दिया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। पूरे चीन को सड़क, पुल और कारखाने बनाने के काम में झोंक दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि खेती का काम चौपट हो गया। महज एक साल में चीन में लोग भूख से मरने लगे। उस दौर की घटनाओं पर लिखी कम से कम 3 किताबों में दावा किया गया कि चीन के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए आदमियों को मारकर खाने लगे थे। लेकिन दिल दहला देने वाली उन घटनाओं से भी माओ की जिद नहीं टूटी। चीन में अकाल से मरते लोगों के शव और भूख से बेहाल जनता की चीखों के बीच ही 25 मार्च 1959 को माओ त्से तुंग ने शंघाई में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के बीच संसाधनों का एक समान बंटवारा करने से ग्रेट लीप फॉरवर्ड बर्बाद हो जाएगा। जब खाने के लिए अनाज पर्याप्त नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, तो बेहतर है कि आधे लोगों को मरने दिया जाए ताकि बाकी बचे आधे लोगों का पेट भर सके। माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड की तर्ज पर शी जिनपिंग ने भी सुप्रीम लीडर बनने का सफर चीन के लोगों को एक सपना दिखाकर ही शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने नारा दिया चाइनीज ड्रीम। 15 नवंबर 2012, बीजिंग, चीन। शी जिनपिंग ने वादा किया था कि वो चीन को वर्ल्ड पावर बनाएंगे। ये वादा चीन की जनता से नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से था। चीन की जनता तो सिर्फ मोहरा भर थी, जिसे 2020 तक शी जिनपिंग आंकड़ों के जरिए यही समझाते रहे कि चीन को अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी कोरोना महामारी आ गई। महामारी के पहले साल पूरी दुनिया का एक जैसा हाल था। हर तरफ खौफ, हर तरफ सन्नाटा, हर शहर में लॉकडाउन। पूरे विश्व का कारोबार और अर्थव्यवस्था एक झटके में ठप हो गई। चीन को तब इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और सबसे बड़ा चैलेंजर भारत भी उसी कश्ती में सवार थे। शी जिनपिंग की असली परेशानी इस साल शुरू हुई, जब अमेरिका, भारत और दुनिया के ज्यादातर देशों में लोग काम पर लौटने लगे। बाकी देशों की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटने लगी। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, सबकी रिपोर्ट बता रही थी कि कोरोना के बाद के दौर में भारत ही आर्थिक विकास का इंजन बनने जा रहा है। इन रिपोर्ट्स के बीच ही चीन में उद्योग जगत की बेचैनी बढ़ी। शी जिनपिंग की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बेरोजगार हुए लोगों का सब्र खत्म होने लगा, और उनके विद्रोही तेवर से घबराई चीन की सरकार ने यह जानते हुए भी कोविड की पाबंदियां खत्म कर दी कि इससे चीन में कोहराम मचने वाला है। पूरे कोविड के दौरान चीन का सरकारी मीडिया महामारी के मैनेजमेंट और आर्थिक मामलों में अमेरिका का मजाक उड़ाता रहा। शी जिनपिंग इस प्रोपेगेंडा कैंपेन के जरिए खुद को सुपर पावर दिखाने में उलझे रहे, और जब उन्हें पता चला कि उनका चाइनीज ड्रीम तार तार होने वाला है, तो उन्होंने चीन की पूरी आबादी को ही दांव पर लगा दिया। दुनिया के हर देश की तरह चीन में भी कोरोना के सबसे आसान शिकार बुजुर्ग लोग ही हैं।
उनकी मौत के आंकड़े छिपाने और कोविड के कहर को झुठलाने के पीछे भी चीन का आर्थिक स्वार्थ ही नजर आता है। दरअसल चीन में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की आबादी लगभग 18% है, जो 2030 तक 26% से अधिक हो जाएगी। उनकी सेहत और पेंशन पर खर्च का बोझ उठाने के लिए शी जिनपिंग की सरकार तैयार नहीं है। इसी साल चीन में प्राइवेट पेंशन योजना भी इसलिए लागू की गई ताकि चीन के सरकारी खजाने पर बुजुर्गों की देखभाल का बोझ ना पड़े और उस पैसे का इस्तेमाल शी जिनपिंग के चाइनीज ड्रीम में हो सके।